क्या बात है, मुंह क्यों बना हुआ है? ये दोनों ने ना हमें डराया हुआ। और वाटरमेलन का तो नाम ही टेस्टी है भाई, सभी देखो। व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय छुट्टी। ओ माय गॉड, बच्चों की तो आज यार बड़ी ज्यादा वार लग जानी है, चीर के निकल जाइए दुनिया को। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। ये बच्ची आज आ रही है ट्रैक एंड फील्ड। फील्ड एंड ट्रैक, ट्रैक एंड फील्ड होता है, फील्ड एंड ट्रैक नहीं होता। ओ ट्रैक एंड फील्ड होता है। माय मॉम, आई लव यू। सो फील्ड एंड ट्रैक, नहीं सॉरी, ट्रैक एंड, मैं जान के भी बोल जाता हूँ कभी इसको, कुछ इसको तंग करने के लिए। सो जा रहा हूँ इसको स्कूल छोड़ने। आज मैं कैसे घर पे हूँ, आज है मेरा ईडीओ, आई मीन माय ईडीओ इज जनरली ऑन द फ्राइडेज, बट मैंने इसके ट्रैक एंड फील्ड के लिए ईडीओ अपना चेंज करके मंडे करा। शी वॉन्टेड मी टू कम फॉर हर ट्रैक एंड फील्ड। बेटा हमें पता नहीं था, आई नो इट वॉज अपसेटिंग, दैट्स वाई आई टुक अ डे। सो हमें ना पिछली बार पता नहीं चला। भाइयों बहनों, हमारी गलती नहीं है, आप मेरी कोई गलती निकल आए कहीं, आप कोई चौराहा भी नहीं है यहाँ, मैं जो कह दू यहाँ पे ऐसी कोई बातें। हमें पता नहीं था ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है, हमें क्या पता, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, मतलब यहाँ पे वैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं भारत से, तो हमें तो पता नहीं ट्रैक एंड फील्ड क्या चीज है। ये हमसे हो गई गुस्सा कि सबके पेरेंट्स आए आप नहीं आए। मैंने कहा बेटा तू मेरे को बता दे किस दिन है, मैं छुट्टी ले लेनी, हमें क्या दिक्कत है, हमारे को छुट्टी की रब की दया से वाहेगुरु का शुक्र कोई दिक्कत नहीं, जब बोलो छुट्टी हमें छुट्टी मिल जानी। इसीलिए मैं बिजनेस में नहीं पढ़ता, क्योंकि बिजनेस में आपको सातों दिन काम पे ना टेंशन दिमाग में बनी रहनी है कि मैंने इधर जाना ही, उधर जाना ही, ये करना ही, इससे मिलना ही, अपना बिजनेस बढ़ाना ही, या कोई पिज्जा स्टोर है तो वो खोलना ही, वो सब हम उसमें पढ़ते नहीं। दो पैसे दो रोटी कम खा लो, लेकिन जब छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लो और टेंशन ना लो लाइफ में, और बच्चे के साथ अपना ट्रैक एंड फील्ड एंजॉय करो। आज वही कर रहे हैं, उसीलिए हमने अपना ईडीओ, डैड इज कमिंग एट 9:15, आई एम कमिंग बेटा सारा दिन हमने आई विल जस्ट कम गो। मैं सिर्फ पी करने, अगर मेरे को कोई प्रेशर बन गया घर जाऊंगा, नहीं तो मैं यही बैठा स्कूल में, नहीं मैं नहीं जा रहा स्कूल में ना, मैं घर आ जाऊंगा। ये तो अरे ये लड़कों में ही जाऊंगा, वो तो इधर तो जाना है घर, इधर मैं घर आ जाऊंगा स्कूल से तेरे को। सो ये बस है, हमने कहा हमें क्या दिक्कत है जी, हमें आप बताओ, हमें तो पता नहीं ना यहाँ के हिसाब, हमें तो अगर बता दोगे कि डैडा इस दिन पेरेंट्स ने आना है, डैडा विल टेक अ डे। तो मैंने और कोई जाता नहीं है, और सोचो पूरा दिन के रहते मैं देखता हूँ, आज पता चल जाएगा, प्रूव हो जाएगा आज इसका जो ट्रैक एंड फील्ड है, ये पिछले हफ्ते था तो मैंने छुट्टी ले ली, लेकिन वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, फिर मैंने अपनी छुट्टी भी कैंसिल करके चेंज करके आज करी। ऐसा डैड कहीं नहीं मिलेगा इसको, क्यों बेटा? बड़ी खुश हो रही है बड़ी कि माय डैड इज सो नाइस, आई शुड गेट अ फादर ऑफ द ईयर अवार्ड। मेबी नॉट, आइया बेटा एक बात ध्यान रखना, अटल जी ने कहा था बेटा खेल भी जीतो और दिल भी जीतो, ठीक है बेटा? खेल भले ना जीतो, दिल जरूर जीतो लोगों के, अच्छे रहो, ठीक है बेटा जी? ये अटल जी ने कहा था, पूछो अटल जी कौन है। आई टेल यू लेटर, ओके बाय, यू हैव अ गुड डे, आई एम कमिंग, मैं आऊंगा। मैं आ गया हूँ घर वापस, अब करेंगे नाश्ता फिर से जाएंगे, कह रही है 9:15 इसकी जो है वो है ट्रैक एंड फील्ड की जो रेस है। सो मैं तो यही कहूंगा जी, खेल भी जीतो और दिल भी जीतो, अटल जी ने कहा था जब इंडिया जा रही थी पाकिस्तान, आफ्टर सो मेनी ईयर्स टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट चलते रहना चाहिए आपस में दोनों देशों में, थोड़ा सा अमन शांति, क्रिकेट खेल जो होता है ना वो देश को जोड़ता है, दो देशों को खेल जोड़ सकता है। हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, फिर मैं निकल जाऊंगा इसका 9:15 जाके देखता हूँ कौन सी बड़ी रेस है। भैया मिल्खा सिंह वाली रेस आज दौड़नी है इसने, नहीं होनी तो है लेकिन इसका ये होगी, फिर अगली गेम स्टार्ट होगी। ये चाहती है कि पियो बैठा रहे, हाँ। सारा दिन बैठा रहे। ये हमारा ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है, और आज तो क्रोसॉन्ट भी आए हुए हैं, लंच में खाएंगे क्रोसॉन्ट। क्रोसॉन्ट लंच में, बनाना ब्रेड भी है। हाँ, बनाना ब्रेड भी बड़ी अच्छी बनाई है नेहा ने। आज मैंने एक बात पढ़ी मैंने कॉफी में, बंदा कहता है कॉफी ब्लैक, आई एम ऑन ब्लैक नाउ कॉफी ना, तो वो दूसरा बंदा उसको कहता है व्हेन यू आर ऑन ब्लैक यू कैन नॉट गो बैक। क्योंकि तुम फिर कॉफी और कोई पी नहीं सकते तुम और कोई कॉफी। सो इफ यू आर ऑन ब्लैक, ये देखो ब्लैक कॉफी बन रही है, ब्लैक ही पीनी है हमने, देन यू कैन नेवर गो बैक। भाइयों बहनों ये घास देख लो,
बहुत ही अच्छी ग्रीन हो गई है। ये तीन पैचेस इग्नोर कर देना, मेरी गलती है। बाकी नेहा जी कर रही है, नेहा जी ने मेरा पिकनिक बैग तैयार कर दिया, मैंने वहीं बैठना है पूरा दिन स्कूल ही। आज पानी, क्रूसॉन्ट, केला, मैंने स्नैक्स मिक्स डाल दिए। ये क्या कप क्यों पड़े हुए हैं आंगू? ये आप नीचे लेके जाने हैं। फेंकने हैं? नहीं नहीं। अच्छा, नीचे कॉफी स्टेशन के लिए, ये लो। ओके, बाय चांस आरिया कम्स एंड वांट्स टू हैव स्नैक्स फ्रॉम यू एंड वो नहीं खाना चाहती जो उसको दिए हैं, तो एकदम से कुछ होना चाहिए ना। ये इस पे मेरा नाम भी लिख देती पीछे, क्लास ग्रेड, कोई मैं गुम ना हो जाऊं। शर्म नहीं है तुम्हें ना? ये मेरे को दे दिया, बता यार कोई। मैं मैसेज कर लेना भाई जी, उसको गर्मी ज्यादा लगे तो आई कैन ब्रिंग आइस लॉली या कुछ या कुछ। ठीक है ठीक है। बैठ गए हैं जी स्कूल के ग्राउंड में, जलसा टाइप हो रहा है, जलसा स्पोर्ट्स डे जैसे होता है वैसे। एक तरफ हो रही हैं रेसेस, एक तरफ अभी आर्या का हुआ है थ्रो, जो क्या जो शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं वैसा वाला, शॉर्ट पुट नहीं, यहाँ पे बॉल थी हाथ में जो थ्रो कर रहे थे। इसके बाद अब रेस है, रेस के बाद काफ़ी सारी गेम्स हैं जो होनी है आज पूरा दिन। गर्मी भी बड़ी तेज है तो मैं तो बैठ गया हूँ, लेकिन नेहा कहती मैंने आना है। मैंने बोला कि नेहा आएगी तेरे को रैशेज हो जाने, क्योंकि उसको धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती तेज। मैं शूटिंग नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा आपको पता ही है, थोड़ा प्राइवेसी इशू होता है बच्चों का, इसलिए। बताओ यार, मुझे भी बुला लिया भावुक होके, मैं भागी भागी चली आई, एक घंटे की छुट्टी भी ली मैंने ऑफिस से कि चल यार बच्ची को देखेंगे चल के, और तब से बैठ के मुझसे सिर्फ बातें कर रहे हैं। नेहा को नेहा सामने चल के आ रही, मैं के एक कौन है ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे लास्ट मिनट ट्रिक दी जा रही है, चीर के निकल जाइए दुनिया को। यहाँ पे लास्ट मिनट ट्रिक दी जा रही है आर्या। बेचारी ना पिछले वाली रेस में, 100 मीटर वाली रेस में क्या हुआ कि उसकी टोपी उतर गई और ये रुक गई यार, ये तो अच्छी स्पीड चल रही थी। शी वाज डूइंग सो गुड, लाडो ने बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इसको भाई मारी जोर से, भाई साहब लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं कहा पाजा पाजा मैं के टोपी मैं उठा लूंगा, तू भाग जा। और आर्या की अब होनी है लॉन्ग जंप, तो सैंड पिट लगा हुआ है बड़ा फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है। जस जी बता रहे हैं गेम स्टार्ट होने वाली है एक्चुअली ना। ये याद आती है मेरे को कि जो तो घटोत्कच मरने लगा है ना, घटोत्कच पता है ना, भीम का पुत्र, बड़ा लंबा सी ना लंबा, उसको जब वो मरने लगा है तो उसका प्यो कहता है बेटा कौरवों की सेना पे गिरो। वैसे ही नहीं, बच्चों को कहना है बेटा बच्चों आगे गिरो, पीछे मत गिरो, लॉन्ग जंप में पीछे गिरोगे पीछे पॉइंट माना जाएगा, आगे गिरो। हमारे स्कूलों में होता था स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे में हम लोग ड्रिल होती थी, मार्च पास होती थी, यू नो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते थे, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्किपिंग, जंप द रोप, ये सब होती थी हमारे वहाँ। तो मैं इसको यही कह रही हूँ तो ये कहता है मेरे यहाँ तो होती नहीं थी। जजी होती थी, आपको याद नहीं होना, मेरे नहीं कभी हुई। स्पोर्ट्स डे होता था, मैं छुट्टी कर लेता था। हमारा तो होता था भैया, स्पोर्ट्स डे बहुत अच्छा होता था और हम लुक फॉरवर्ड करते थे इसके लिए। उस दिन मम्मी पापा भी आते थे, सब लोग आते थे। यहाँ पे होनी है लॉन्ग जंप आर्या की, और मैं ले आई हूँ अपना पखा पुखा सब, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट वीडियो में पता क्या आ रहा है कि ये रुका हुआ है। अच्छा सी, ओ हाँ वीडियो में ये दिख रहा है कि रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। फ्रेम रेट टाइप होएगा ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी हवा आ रही है, बहुत आराम है भैया इस फैन से। तो जी मैं जा रही हूँ घर, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे बच्चे, आर्या भी बहुत फन कर रही है, अच्छा कर रही है। तो भाइयों बहनों खबर ये है, लॉन्ग जंप हो गई है, 100 मीटर रेस हो गई है, अब 60 मीटर रेस है। लंच टाइम बिल्कुल ही पास आ चुका है, हमने सबवे का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, नेहा लेके आ जाएगी। अब हम चल रहे हैं 60 मीटर रेस देखने के लिए आर्या की। जस जी वहीं बैठे हुए हैं, जस इज लाइक कि तू जा, क्योंकि ना मैं जाके थोड़ा सा ठंडा सामान ले आती हूँ खाने पीने का। तो मैं घर आ गई हूँ, घर आके मैंने कहा एक बच्चे को देख के आए हैं और बाकी के बच्चों को घर पे देखभाल कर लेनी चाहिए घर आए हैं, तो बिचार माय प्लांट बेबीज। पानी भर लिया है, मैं सोच रही हूँ इनको ना पानी दे दूँ, बेचारों को बहुत गर्मी लग रही होगी। मैंने ना रिसेंटली एक चीज़ सीखी है, वो ये है कि पानी भर के मग से बाल्टी से दो, एज लॉन्ग एज इट इज़ मैनेजेबल, या फिर अगर आपके पास ड्रिप इरीगेशन है तो उससे दो, इससे पानी की वेस्टेज नहीं होती, हमेशा पानी नाप तोल के डलता है। पानी ऑन हो गया, अब ये अपने आप घास को पानी मिल जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी ना, क्योंकि गर्मी हुई पड़ी है एंड घास नहीं सूखनी चाहिए, बिकॉज मैंने सीडिंग भी करी है कई कई जगह,
सो वी डेफिनेटली नीड वाटर. सो ना घर से चली मैं फटाफट. आर्या का ना ऑनलाइन ऑर्डर जस्ट ने करा हुआ था सबवे का, आज उसको स्पेशल लंच हम ट्रीट करवा रहे हैं क्योंकि घर पे है एंड यू नो इट्स लाइक यू नो स्पोर्ट्स इवेंट गोइंग ऑन. तो हमने कहा चलो बाहर से, सब लोग बाहर से यहाँ पे लाने का ना कल्चर है खाने का जब ऐसा कोई स्पेशल इवेंट हो बच्चों के लिए, तो हमने कहा चलो बाहर से लेके आते हैं. तो सबवे जस्ट ने ऑर्डर कर दिया था, मैंने फटाफट पिक करा. इतना रश था, अगर ऑनलाइन ऑर्डर ना होता तो आज लंच ना डिलीवर हो पाता आर्या का. इट वॉज सच अ टाइम क्रंच सिचुएशन, 20-20 मिनट की वेटिंग थी. लंच टाइम हो गया है दोस्तों, भाइयों बहनों लंच टाइम है. और ओ माय गॉड, बच्चों की तो आज यार बड़ी ज्यादा वार्ड लग जानी है. कहती हूँ इतने गर्म वाला दिन है आज. आज गर्मी भी बहुत है, मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ एसी चला के एंड देन अपना आराम से खा लो. हाँ तो आराम से खा लो. आइया के लिए लंच ले आए हैं, इसके आइया को लंच खिला के हम चले जाएंगे घर. हम अपना लंच कर लेंगे जाके. आई विल कम बैक. वाओ इट स्मेल्स सो डिलीशियस. स्मेल्स डिलीशियस. आइया के लिए सब लेके आइए मम्मा. सो लंच हो गया है, अब आइया हमारी आराम से बैठी हुई है. 1 बजे पहुंचना है, अभी तो 12:29 हुए हैं. वापस बाथरूम करना है, कुछ जाना है तो घर ले चलता हूँ. नहीं घर नहीं जाने की जरूरत है, मैं अपनी वाटर. ये घर नहीं जाना चाहती बताओ, मैं कह रहा हूँ अभी टाइम है घर चल के पानी भी भर ले और बाथरूम वगैरह हो ले. कहती ना मैं स्कूल में चल जाऊंगी, मैंने क्योंकि टीचर को बताया नहीं है कि मैं घर जा रही हूँ इसलिए मैं नहीं जा सकती घर. शी फॉलोज ये ओबीडिएंट बच्चा है, रूल्स फॉलो करने वाली बच्ची है ये. बिल्कुल डैडा पे गई है इस मामले में, ये प्यो को छोड़ के भाग गई है. ओके भाई बाय नेहा जी, विल सी यू. कॉफी पी लो, लंच टाइम हो गया. तेरी बेटी जाई नहीं रही छुट्टी, मैं क्या करूं, मैं तो थक गया हूं. ओके बाय. ओवर ओके मेरी वेट कर रही है, मैं जा रहा हूं. बाय. भाई साहब सुबह से गया मैं, अब घर आया हूं. 1:30 बज गया भाई साहब, 1:30 सुबह से गया अब घर आया हूं मैं. अभी भी आने नहीं दे रही थी, कहती 10 मिनट आराम करके वापस आ जाना. बताओ 10 मिनट्स. दिन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, जस्ट लेने गया हुआ आर्या को. एंड तो मैंने देखो आर्या का ना रू अफजा और अनार निकाल के रखा हुआ है ठंडा ठंडा. लाडो भी आ गई. हे रानी हाउ वाज योर डे टुडे? बैड. बैड क्यों? थक के आया? आजा चल, आई विल जस्ट फ्रेशन यू अप. आजा. आ गए हैं दोनों के दोनों घर. वो तो थकी थकी है स्कूल से और जस्ट सारा दिन उसकी वेट में प्लेग्राउंड में बैठ बैठ के थक गया है. व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय छुट्टी. ये देखो जस्ट ने बनाया कच्ची लस्सी, रू अफजा पाके, दूध एंड पानी का मिश्रण. नॉट पूरा दूध बट नॉट पूरा पानी, ठंडा ठंडा. ये देखो कैसे एकदम यक है. एंड अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रोड्यूस खत्म है और थोड़ी सी जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है छोटी मोटी वो लेने जा रहे हैं अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर में को-ऑप लेके, फिर घर आएंगे. गर्मी तो पता नहीं इतनी ज्यादा पड़ रही है. मैंने तो इससे ज्यादा सही है. आई नो आर्या ने तो बहुत ज्यादा गर्मी में रही है, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स. बट नो कम्प्लेन्स, लाइक आई से ऑलवेज वी विल एम्ब्रेस इट बिकॉज द गर्मी हमें बहुत ही थोड़े से दिन मिलती है. जस जी बैठे हुए हैं चुपचाप, थोड़े से थके हारे कि आज लास्ट छुट्टी थी, खत्म हो गई. कल से बैक टू ग्राइंड. जाएंगे क्या करें, हमारे पास तो वर्क फ्रॉम होम. कल तो हम भी जा रहे हैं. बस करो. हाँ कल तूने भी जाना, मैं भूल जाता हूँ, आदत नहीं रहेगी ना. हाँ आदत नहीं रहेगी हमें कि तू भी जाती है. बी एट पीस. एक दिन तो मैं भी चली जाती हूँ हफ्ते में, कभी एक कभी दो दिन. सो अभी फिलहाल एक दिन जा रही हूँ. तो कल तो मैं जस जी के साथ ही जाऊंगी. जस जी को साथ देंगे, थोड़ा सा सरखाएंगे, थोड़ा सा यू नो वॉकिंग करेंगे डाउन टाउन. इलेक्ट्रिक स्कूटर कर ले कल तू. रेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर कर लूँ कल, रेंट कर ले डाउन टाउन. तो फिर मेरी एक्सरसाइज क्या हुई इलेक्ट्रिक अगर चीजें यूज करो तो? अरे मजा तो आएगा. मजा ऑफिस जाने में क्या है, वॉकिंग इतने अच्छा लगता है जाना. आप मुझे उतार देना एज यूजुअल 2 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स अवे. कल 4 ब्लॉक्स अवे. आई विल वॉक 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 डैंडी मार्च करते हुए जाएंगे. को-ऑप की शॉपिंग डन हो गई है, नेहा जी कार्ट भी रखाई है ये जो आ रही है. और वाटरमेलन का तो नाम ही टेस्टी है भाई साहब, ये देखो तो पक्का टेस्टी होना चाहिए. तो फिर तो 100% टेस्टी होगा. नाम ही टेस्टी है देख लो. ये हमेशा सस्पेंस फ्रूट है, ये बड़ा मिस्ट्री फ्रूट. आहो कैसा निकलेगा यही होता है. सेम विद मैंगो. मिश्री है जी मिश्री. यहाँ अच्छा मिलता ही नहीं है कनाडा में. मिश्री है जी मिश्री. हाँ
ये यहाँ इंडिया में तो काट काट के मिश्री करके बेचते हैं। वो ऐसे टेढ़ा करके पीस निकालता है भैया, हाँ। और फिर वो कहता है ये लो, और फिर वो यू नो प्रूफ्स की 100% सही है। हाँ। मम्मी ने विचार प्रकट करे हैं। मम्मी कार्बन कॉपी है बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी भी तकलीफ हुए ना, हाँ तो ऐसे हो जाते हैं बस। मम्मी जस्ट कभी उस दिन यही हुआ था, डॉलरामा पे हम खड़े थे, मैं वो कहता है मैं बहुत ज्यादा थकान फील कर रहा हूँ मम्मी, मैं डर जाती हूँ जब से पिछले साल केस हो गया, मेरे को लग जाता है बीपी लो ना हो गया हो, कुछ आयरन की कमी ना हो। दोनों सेम है वो भी, ये दोनों ने ना हमें डराया हुआ है, ये दोनों हमें डरा के रखते हैं मुझे और मम्मी को। ऐसे हो जाती है, बंदा दूसरा देखने में डर जाता है, कोई मेजर ही प्रॉब्लम। हाँ जब डेडा ना फाइट कर रहे होते हैं, डेडा का मुंह बना पार्ट करते करते बंदा हंसेगा। हंसो, आइए पास है तो हंसो, क्यों मम्मी बच्चा तो घबरा जाता है। आजकल साफ बोल दिया आके, क्या बात है मुंह क्यों बना हुआ है। आज इतना ज्यादा फिर से लेट हो गया, रोज लेट हो रहा है आजकल, ऐसे जब भी मेरी छुट्टी होती है लेट कर देते हैं ये लोग। साथ भाई गए, बल्ले रोटी भिंडी दाल भी है, जैकपॉट लग गया, दाल मेरी इतनी फेवरेट है, और आइया खा रही है दही एंड राजमा। चलो जी रोटी खाते हैं, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब जरूर कर देना। बाय 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 बाय।